नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पशुपति व्रत सोमवार के दिन रखा जाता है, ये तो आप सब जानते हैं। पशुपति व्रत 5 सोमवार को ही रखा जाता है। मान लीजिए अगर 5 सोमवार के दिन किसी दिन आपको कहीं बाहर जाना पड़े, बहुत ही जरूरी हो, तो क्या आप व्रत करें या ना करें, या फिर व्रत को छोड़ दें, या फिर दोबारा से कंटिन्यू करें, या फिर अगर व्रत करें तो क्या व्रत मान्य होगा। देखिए, ये तो आप सब जानती हैं कि पशुपति व्रत सिर्फ 5 की संख्या में रखने होते हैं। ये भी सब आप जानते हैं कि ये व्रत एक ही जगह पर रखने होते हैं। इन व्रतों की पूजा आपने एक ही मंदिर में करनी होती है। मंदिर आपने बार बार नहीं बदलना होता, क्योंकि जिस मंदिर में हम एक बार पूजा शुरू कर देते हैं, उस मंदिर में भगवान भी अपने वक्त का इंतज़ार करते हैं। जैसे हमारे माता पिता अपने बच्चों का घर आने का इंतज़ार करते हैं, उसी तरह भगवान भी अपने वक्त का, अपने बच्चों का इंतज़ार करते हैं। भगवान हमारे माता पिता हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए भगवान भी हमारा इंतज़ार करते हैं। इसलिए आप एक ही मंदिर में पूजा करें। अब रही बात, अगर आपको 5 सोमवार से कहीं बाहर जाना पड़े तो क्या आपका व्रत मान्य होगा। देखिए, अगर आपको जाना बहुत ज़रूरी है तो जरूर जाएं, परंतु आप व्रत को जरूर रखें। अगर आप व्रत नहीं रखेंगे तो आपके व्रत खंडित हो जाएंगे और आपको दोबारा से व्रत शुरू करने होंगे। हाँ, रही बात पूजा करने की, क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे तो पूजा तो आप कर नहीं सकते, इसलिए आपको मानसिक तौर पर व्रत रखना होगा, मानसिक पूजन करना होगा। जो भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र का आप मानसिक रूप से जाप कर सकते हैं। इस तरह आप व्रत को करें ता जो आपका व्रत खंडित ना हो, आपको दोबारा से व्रत को शुरू ना रखना पड़े। रही बात व्रत काउंट होगा या नहीं, देखिए जब आपने पूजा ही नहीं की, आपने प्रसाद के 3 हिस्से नहीं किए और 6 दीपक भी नहीं लगाए, तो आपका व्रत मान्य कैसे होगा। जब तक आप अपने घर की दहलीज पर 6 दीपक भी नहीं जलाते और 5 दीपक आप मंदिर में भी नहीं जलाते और 3 हिस्से प्रसाद का भोग भी नहीं निकालते, तो आपका व्रत भला मान्य कैसे होगा। इसलिए आपका व्रत मान्य नहीं होगा जब तक आप पूजा नहीं करते, जब तक आपके घर के दरवाजे पर दीपक नहीं लगता, आपका व्रत मान्य नहीं होगा। इसलिए आपको उसकी जगह पर एक एक्स्ट्रा व्रत करना होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।